हेलो एवरीवन, देयर दिस इज़ शफक नाज। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। तो आज इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आपके सिक्स्थ चैप्टर इनटू द वाइल्ड का सेकंड पार्ट, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। आपको मालूम होना चाहिए आपका जो सिक्स्थ चैप्टर है उसके अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर दिए है। आज इस वीडियो में सेकेंड पार्ट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोनों का पूरे चैप्टर की समरी भी अपलोड हो चुकी है, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग सब कुछ हो चुका है। सिर्फ अब ये बाकी है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। इसमें तुम लोग मेन चीज़ क्या याद रखोगे? शास जंग के बारे में। शास जंग कौन है? शास जंग इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर एंड लॉज ओनर, ऑल रोल्ड इन वन। ये सारी चीज़ जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो वाइल्ड लाइफ लोग की फ़ोटो भी खींचते हैं, वो लोग का सिनेमा भी बनाते हैं, मतलब फिल्म वो सब भी बनाते हैं, लेपर्ड, टाइगर, लायन लोग को ट्रैक भी करते हैं, मतलब वो लोग की लाइफ में क्या चल रहा है वो सब पूरा ट्रैक करते हैं, डे टू डे लाइफ में पूरा सब कैप्चर करते हैं। मैन एनिमल लोग के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसको उन्होंने सॉल्व भी करे है, जो कि हम देखने वाले हैं क्या सॉल्यूशन निकाले उन्होंने, वो हम देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वो क्या है? तो ये सारी चीज़ शाज जंक अकेले इंसान के अंदर है, तो वही है ऑल रोल इन वन पर्सन। व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम जंगल्स ऑफ नागरहोल, ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी नेशनल पार्क, ही इज़ लीडिंग फोटोग्राफी सफारीज इन अफ्रीका और शोकेसिंग हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट रीचेस। यहाँ पे बस क्या बोल रहे हैं कि जब वो नागरहोल जंगल से दूर होते हैं, शास जंग जब नागरहोल जंगल से दूर होते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है, नागरहोल जंगल का ऑफिशियल नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो वो क्या करते हैं? या तो वो अफ्रीका के अंदर सफारी करके फ़ोटो खींचते रहते हैं एनिमल लोग की, और अपना काम दिखा के आर्ट गैलरी में बेचते हैं या देते हैं कैपिटल सिटी में जो भी अवेलेबल है आर्ट गैलरीज, मतलब आर्ट गैलरी देखे होगे ना, फ़ोटो फ्रेम लगे हुए होते हैं एनिमल्स के या पेंटिंग के वो सब। ठीक है, या तो फिर ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि अपना जो धरती है, अपनी जो प्लेनेट है, उसको बचाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग सबसे बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। कब? जब वो नागरहोल जंगल से अवे होते हैं, यानी वो अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं दूर होके भी। शाज रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट डेट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ द फेलाइंस ओवर अ करियर डेडिकेटेड टू फाइनेंस। आज जंग जो है वो उनको एकदम अच्छे से याद है उनको, कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ, ऐसी क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से शास जंक ने अपना करियर छोड़ दिए। क्या करियर था उनका? फाइनेंस के अंदर वो उनका करियर था। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड जो भी वर्क होगा उसके अंदर वो थे, वो छोड़कर वो कौन सी फील्ड में आ गए? फेलाइंस, यानी बिग कैट फैमिली, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारी चीज़ों को ट्रैक, ये सारे एनिमल को ट्रैक करने में, लोग की फ़ोटो खींचने में आ गए। तो कैसे आए वो अब हम नेक्स्ट चीज़ में देखेंगे। तो क्या बताते हैं शास जंक, देखते हैं आगे क्या बोले हैं। देखो शास जंक ने, इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, वी वेयर एट अ जंक्शन, द डियर वेयर कॉलिंग। कुछ सनसेट का टाइम था और हम लोग जंक्शन में थे, मतलब स्टेशन टाइप पहुँचे ही थे कोई जगह में, और डियर्स लोग आवाज़ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। वी वेंट अराउंड अ ब्लाइंड टर्न, हम लोग ऐसी कोई भी दिशा में मुड़ गए, पता नहीं था हम लोग को किधर जाना है, बस ऐसी होता है ना कभी कभी, रास्ता आ रहा है तो चल रहे हैं, तो ऐसे हम लोग चल जाते हैं। एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड, और हमारे जो रास्ते में हम चल रहे थे उसी के आगे एक ओल्ड लेपर्ड था, एक बूढ़ा लेपर्ड, एक ओल्ड एज लेपर्ड था। यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, वो लेपर्ड को देख के अपन बोल सकते हैं कि वो अभी क्या हो रहा है, अपनी शक्ति खो रहा है, या तो फिर बूढ़े हो जाते हैं, सुस्त टाइप हो जाते हैं, वो वैसा हो रहा है।
ठीक है, द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम, ही ओनली हैड 3 canines, हिज आईज वर सैगिंग, और अभी वो ऐसा सुस्त हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो जंगल में लोग, जंगल में दूसरे एनिमल लोग उसको क्या कर रहे हैं, टोल कर रहे हैं, यानी अभी उसको थोड़ा कमज़ोर समझ रहे हैं, उससे डर नहीं रहे हैं। एक तो उसके 3 दांत बचे हैं सिर्फ, 3 canine, मतलब यहाँ पे लिखा है ही ओनली हैड 3 canines, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, और उसकी जो आँख है वो सैग हो रही है, यानी ड्रॉप हो रही है, एकदम ढीली पड़ चुकी है, और उसकी जो होता है ना नीचे गिर रही है ढीली होके, वैसी उसकी आँखें है। क्लोज टू दिस लेपर्ड वॉज अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल हु वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राइम। अब यही ओल्ड लेपर्ड के थोड़े ही दूर में एक और लेपर्ड है जो इसके एकदम अपोजिट है, बहुत, जो क्या है, ओल्ड लेपर्ड के एकदम अपोजिट है, मतलब कैरेक्टर में, जैसे बहुत यंग है, गुड लुकिंग है, और जो क्या हो रहा है, अपने प्राइम में आने वाला है, मतलब उसको अभी एकदम मजबूत, एकदम रियल वाला लेपर्ड, और दूसरे को प्रेडेटर टाइप बनना, दूसरे एनिमल को खाना, वो ये सब चीज़ में अभी आने ही वाला है, ठीक है। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, शास को देख के ऐसा लग रहा था कि हम पास्ट और प्रेजेंट दो चीज़ को एक साथ मैं देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक बूढ़ा है और एक जवान लेपर्ड है। इट वॉज क्लियर डेट देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट, लेकिन ये चीज़ को देख के एक और चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही थी, ऐसा शास जंग बोलते हैं कि ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से सनसेट हो रहा था, सूरज ढल रहा था, और हम लोग को उधर से जाना पड़ा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक टू द स्पॉट, लेकिन दूसरी सुबह मैं फिर से वो स्पॉट पे आ गया, वो फिर से मैं वो जगह पे आ गया। सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड, वो जगह में एक हाई रॉक रखा हुआ था, ऊंचा पत्थर रखा था, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था, सिटिंग यंग लेपर्ड, जो यंग लेपर्ड था वो उस पत्थर में बैठा हुआ था। उसकी हालत कैसी थी, ब्लड वॉज ड्रीपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस, उसके फेस के आसपास गैश हो चुका था, यानी डीप कट, फेस पे डीप कट हो गया था, गहराई में कट गया था, और उसमें से ब्लड गिर रहा था, खून निकल रहा था, ठीक है, वो यंग लेपर्ड के फेस से, ठीक है। ही सेट देयर लाइक ही वॉज अ किंग ऑफ द जंगल, और वो उधर ऐसे बैठा था, ऐसा लग रहा था वो इस जंगल का राजा है। आई न्यू राइट देन डेट ही हैड टेकन ओवर एंड इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी, मुझे पता ही था कि अगर ये दोनों के बीच में फाइट होगी तो ये यंग लेपर्ड जीत जाएगा, टेकन ओवर कर देगा, और यहाँ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई यंग लेपर्ड की और मेरी भी, ठीक है। तो शास जंग फाइनेंस फील्ड से अचानक फोटोग्राफी और ये सब फॉरेस्ट की इसमें कैसे आ गए, वो इस वजह से, मतलब वो उनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, इतनी ज़्यादा उनको क्यूरियस करने लगी कि वो क्या करने लगे, अभी जो यंग लेपर्ड है उस पर एक नाम रख दिए, क्या नाम रखे, स्कारफेस। आगे देखते हैं, स्कारफेस, स्कार, स्कार मतलब क्या होता है, निशान। यंग लेपर्ड को निशान किधर पे आया, फेस पे, देखे ना हमने डीप कट हुआ था, इसलिए तो शाज ने उस यंग लेपर्ड का नाम रख दिया स्कारफेस, और इसकी फ़ोटो लेने लगे। जब भी वो जंगल में आते थे इस यंग लेपर्ड की, स्कारफेस की, समझ जाना, यंग लेपर्ड बोलूँगी तो भी स्कारफेस की बात हो रही है, स्कारफेस बोलूँगी तो यंग लेपर्ड की बात हो रही है, समझ जाना तुम लोग। तो जब भी शास जंग फॉरेस्ट में आते थे तो स्कारफेस की फ़ोटो लेते थे। द फोटोग्राफ ऑफ डेट लेपर्ड द विक्टर, मतलब जो जीता है ना फाइट में, कौन जीता, स्कारफेस,
as Shah's name him, not only made Shah's famous among India's wildlife community, but also led to Shah's inviolable reputation as Chronicle of the Wild. Scarface की फोटोग्राफ खींच खींच के शाह सिर्फ फेमस ही नहीं हुए इंडिया में, बल्कि बहुत ही अच्छा रेपुटेशन बन गया शाह का क्रॉनिकल वाइड में. क्रॉनिकल मतलब लाइन से. फिर उसकी फ़ाइट हुई, फिर उसके बाद वो उनकी फ़ोटोग्राफ लेने लगे, और फिर आगे की जो भी स्टोरी हुई होगी उसको शाह जंक ने मेंटेन रखे. ठीक है, तो ऐसा उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई. ऐसे उन्होंने देखे उसका नाम, वो यंग लेपर्ड का नाम स्कारफेस रख दिए और उसकी फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिए, और फिर यहाँ वहाँ बेचने लगे, और ऐसा करके बेचने लगे मतलब मैगज़ीन में पब्लिश कर दिए या आर्ट गैलरी में दे दिए, ऐसा करके वो फेमस हुए. और फोटोग्राफी करना इतना आसान भी नहीं है, पता ही है अपने को, मतलब एनिमल लोग का फ़ोटो खींचना कितनी बड़ी बात है, वो भी लायन टाइगर लोग का. अपने को खींचने वाले के तो अपन कैमरा लेके ही भाग जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी बात है. ऊपर से अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचना अच्छे अच्छे पोज में तो और ही बड़ी बात है. तो शाह जंग क्या बोलते हैं, थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स हिज मेट्स एंड डिस्कवर्ड हिज नेमेसिस टाइगर्स. जब मैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब मैं स्कारफेस की फ़ोटोग्राफी करते रहता था, ये जो जर्नी मेरी चल रही थी स्कारफेस की फ़ोटो खींचने की, उस वक्त मैंने और भी दूसरे लेपर्ड को देखा, डिस्कवर्ड किया, उसके दूसरे दोस्त लोग को भी देखा मैंने जो टाइगर थे. आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटागोनिस्ट ऑफ माई वर्क साया. और मैंने उसी वक्त मेरा जो करंट हीरो है मेरी स्टोरी का, जो करंट मेन हीरो है, उसको भी मैंने डिस्कवर्ड किया, यानी पाया. पहले मुझे नहीं मालूम था, अभी मुझे पता चला वो कौन है, साया. अब ये साया कौन है, ब्लैक पैंथर. दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर. एक ब्लैक पैंथर उनको दिखा, ठीक है, जैसे स्कारफेस मिला ना वैसी उनको एक ब्लैक पैंथर दिखा, जिसका उन्होंने नाम रख दिए साया. फिर साया की भी उन्होंने फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिए, पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए. तो ऐसी करके जो ये साया क्या बन गया, वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक पैंथर, जिसका हर एक बिहेवियर एकदम इंटीमेटली क्या हो रहा है, कैमरे में कैप्चर हुआ है सारे मूवमेंट. ऐसा पहले कभी नहीं कोई लेपर्ड, इससे पहले कोई भी ब्लैक पैंथर का ऐसे मूवमेंट कैप्चर नहीं हुआ है इतना डिटेल में, जितना शाह जंक ने किया है साया का. सो फार ऑल रिसर्च ऑन एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स. वही इससे पहले जितने भी कैमरा ट्रैप्स में हुए आज तक, मैंने जितना डिटेल में किया उतना नहीं हुए. Through many months of toil, Shaz has managed to collect precious footage, including that of an animal mating, to piece together the incredible landscape of a black panther's life. फिर बहुत सारे मंथ मेहनत करने के बाद शाज जंग बहुत अच्छी अच्छी फुटेज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रीशियस कीमती फ़ोटो खींच पाए एनिमल्स की, ठीक है, और ब्लैक पैंथर की लाइफ में वो ऐड करते गए. लैंडस्केप मतलब ब्लैक पैंथर की एक लाइफ का वो डॉक्यूमेंट ही बन गया ना एक तरह से. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है फिर, साया स्कारफेस एंड परदूस. साया तो हम समझ गए कौन है, ब्लैक पैंथर. स्कारफेस तो हमको मालूम है कौन है, यंग लेपर्ड. परदूस कौन है, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, यानी कौन, ओल्ड लेपर्ड. ठीक है, साया इज ब्लैक पैंथर, स्कारफेस इज यंग लेपर्ड, परदूस इज ओल्ड लेपर्ड. कन्फ्यूज मत होना, इजी है एकदम. हैव ऑल्सो लेड शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी.